अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अपनी 1300 साल की जो खाप की परंपरा है उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज की जो लड़ाई है उसमें भी ये खाप अग्रणी बन के खड़ी हुई है। पहले दिन से ये लोगों की सेवा में तत्पर है। मैं जितना हो सके मैं इनको बधाई देता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ ये निरंतर इन्हीं चौधरी भूप सिंह जी की नेतृत्व में ये खाप इसी तरह से मजबूती से इस लड़ाई को लेके आगे बढ़ेगी। मैं मेरे भाई जो मंच पे खड़े हैं बहुत सुंदर और बहुत बड़ा मंच बनाया। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है बैठ जाए टिकेट साहब बोलेंगे। ये अनुशासन नहीं है। देखिए सामने सभी भाई अनुशासित बैठे हैं लेकिन मंच पे जिनको जगह दी गई है वो खड़े होकर अनुशासन तोड़ रहे हैं। वो खाकों के चौधरी कहते हैं अपने आप को। अगर हमारा चौधरी अनुशासित नहीं है तो हम क्या लड़ेंगे और किससे लड़ेंगे। पहले तो मंच पे बैठ जाए आप जो भी खड़े हैं वो मेरे भाई बैठ जाए। आज 80वां दिन 80 दिन से आज आप लोग यहाँ जमे हुए हैं। 1 डिग्री तक तापमान नीचे गया। 5 दिन की बरसात हुई ओले पड़े उसके बाद भी ना कोई बुजुर्ग लौटा ना कोई माता लौटी ना कोई बच्चा लौटा ना नौजवान लौटा। हर आदमी का जज्बा उसी तरह से कायम है। ये दुनिया का पहला आंदोलन है जिसमें जिस दिन आंदोलन 26 नवंबर को शुरू हुआ तब से लेके आज तक ये राकेश जी के सामने जो कार्यकर्ता है इनको कह दो ये हटा दे इनको। ये फोटो वालों को हटा दो। ये मीटिंग तुम्हारे लिए नहीं है। राकेश जाएंगे इनको हटाओ पहले यहाँ से। राकेश करेंगे ये कोई तरीका नहीं है। इनको निकालो यहाँ से। ये निकाल हटाओ इनको। नहीं करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे। अरे तू रख अपना कैमरा भाई इनको हटा दे इनको यहाँ से। हम एक उस सरकार से लड़ रहे हैं जो सरकार पूंजीपतियों की दलाली कर रही है। अगर हम संगठित नहीं होंगे अनुशासन नहीं होंगे तो क्या लड़ेंगे इस तरह से लड़ेंगे। मैं अपने बुजुर्गों से अपील करना चाहता हूँ बहुत तो फिर भाई साहब प्रेस होगी आपको सब कुछ आपको इन कानूनों में काला क्या है हमने बताया कि इन कानून में सफेद क्या वो बता दे। तीनों कानूनों में सिवाय काले के कुछ भी नहीं। पहला कानून जो मंडी कानून बना मैं आपको बता दूं मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मंडी कानून को चौधरी चरण सिंह ने बनाया था। मंडी कानून को चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास नहीं करा पाए। मंडी कानून को चौधरी छोटू राम ने लाहौर मंडी कानून 1938 में लागू किया। जो भी व्यक्ति उनके बनाए कानून पर हाथ डालेगा ये किसान बिरादरी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कानून चौधरी छोटू राम ने बनाया था उस लूट के खिलाफ उस डकैती के खिलाफ जिसके माध्यम से व्यापारी जो है किसान को लूटता था और उनकी तमाम जमीन को गिरवी रख के बंधक बना के रखता था। चौधरी छोटू राम उस पीड़ा को समझे थे। हमारे 2 महान नेताओं को अगर किसान राजनीति से निकाले उस समय में तो किसान के पास कुछ बचता नहीं है। आज जब मैं आ रहा था ये जो नहर हमारे यहाँ चल रही है आपको अच्छी तरह याद है चौधरी छोटू राम के वजीर बनने के बाद ये तमाम विकास और ये जमीन का मालिकाना हक हमारे पास आया था। हम उनकी संतान है। हमने सरकार को बताया। सरकार ने जब हमको छेड़ने का प्रयास किया तो हमने सरकार को बताया कि भिरड़ के छत्ते में हाथ दिया इस क्षेत्र का इतिहास नहीं पता। ये क्षेत्र जिसके खिलाफ खड़ा हो जाता है उसको सत्ता दिल्ली छोड़ के भागना पड़ता है। तुम्हारा वक्त आ गया। तुम दिल्ली छुड़ाएगा ये क्षेत्र। तुमने कहीं आंदोलन किया होंगे गुजरात के लोगों का उत्पीड़न किया होगा। ये मोदी जी गुजरात नहीं है। ये हरियाणा और पंजाब वो है जिसने जो भी आया उसी को यहाँ गोटे के नीचे डाल के पीटा। ये वीरों की भूमि है। ये बहादुरों की भूमि है। ये आत्म स्वाभिमानी लोगों की भूमि है। ये अपनी जो है बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने फूट डालने का प्रयास किया। इन्होंने षड्यंत्र किया।
SYL का मुद्दा उठाया, मैं बधाई देता हूं इन हरियाणा के अपने तमाम खाप के चौधरियों को और तमाम भाइयों को, उठा के फेंक दिया कि भाइयों का झगड़ा है हम निमट लेंगे, हम में फूट डालने का प्रयास करो ना करो, पानी जिस दिन लड़ना होगा हम भाई बैठ के ले लेंगे। आज लड़ाई पानी की नहीं है, सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है, वजूद की लड़ाई है, हटेंगे नहीं। इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्या गलत है, मंडी कानून खत्म कर दिया, क्या गलत है? गलत है, कल प्राइवेट मंडी खुलेगी, इसी साल प्राइवेट मंडी खुली मध्य प्रदेश में, एक मंडी, एक आड़ती ने दुकान खोली जाके 200 करोड़ रुपए का धान खरीदा, खरीद के समेट के भाग गया, किसान ढूंढ रहा है उसको। ये मंडी बनी थी कि व्यापारी मिलेगा, व्यापारी कहीं जाएगा नहीं, उसमें कानून का बंधन होगा। आज इन्होंने कह दिया कि बैठ जा, पैन कार्ड होगा वो किसी की खरीद करो और लेके भाग जाओ। आपको अच्छी तरह पता, आप अच्छी तरह जानते हैं, जियो का जब फोन आया था मुफ्त दिया आपको, दो साल मुफ्त चलाया, आपने BSNL का फोन निकाल के फेंक दिया, उसका नतीजा क्या हुआ? 1.25 लाख कर्मचारी जो हमारे भाई और बेटे थे BSNL से, उनको जबरदस्ती रिटायरमेंट दी गई। अगर आपने वो सिम निकाल के नहीं फेंका होता, वही होगा। इसी तरह से ये पूंजीपति आएंगे, मंडी खत्म होगी, इसी तरह से मंडी का, अब ये कह रहे हैं देश में मंडी खोल दी, किसान कहीं भी अपना सामान ले जाके बेच सकता है। आपको अच्छी तरह पता 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, चौधरी चरण सिंह के प्रयास से ये मंडी उस टाइम पे खोल दी गई थी। कोई भी व्यक्ति, किसान अपने माल को आड़ती नहीं बेच सकता, लेकिन किसान देश के किसी भी हिस्से में बेच सकता है, ये तो 1977 में कानून बन गया था। ये आज प्रचार कर रहे हैं कि हमने ये कानून बना दिया, किसान कहीं भी बेच देगा। कहाँ बेच देगा? बोला तमिलनाडु बेच देगा। जीवन में किसी ने तमिलनाडु की बात कर रहे हैं? अपना चंडीगढ़ ढंग से हमने देखा नहीं है, चंडीगढ़ हम अपना सामान बेचने जाएंगे, मजाक करते हैं। 10 बोरी गेहूं है, 15 बोरी किसी के चने हैं, वो कहाँ बेचने जाएगा? पहली बात तो किसान की हालत ऐसी नहीं है, इतना निचोड़ा है 70 साल में किसान को, किसान इस हालत में ही नहीं है। वो मंडी, वो खेत में बीज डालता है तो आड़ती से पैसे उठाता है, वो खेत की पूरा जो अपना टाइम निकालता है, घर खर्च, फीस, बच्चों की तमाम चीजें आड़ती के पैसे से लेके करता है। जिसके घर में कोई बच्चा नौकरी पे है, जिसके घर में कोई दूसरा खेती के अलावा धंधा है, उसका तो गुजारा है ना, तो फसल आने के टाइम पे उस किसान की वो हालत होती है। व्यापारी जिससे वो पैसा उठाता है, उसकी नजर उसके पैर पे होती है और उसके माल को घर जाने की फुर्सत होती नहीं है, खेत से व्यापारी उठा लेता, कहाँ बेचेंगे? हमें तमिलनाडु जाके झूठ बोलता है, ये झूठी बातें करता। एक रेल चली है, किसान रेल नाम है उसका, बेंगलोर से चली थी पहली रेल और दिल्ली आई थी, 100वीं रेल चली है बनारस से, वो शालदा गई है। वो कह रहे हैं कि किसान अपनी सब्जी को मद्रास बेचे, 4 दिन में टमाटर मद्रास पहुंचेंगे, उनको कोई खरीदार मिलेगा क्या? गोभी का फूल लेके रेल में बुक करा के बेचने बेंगलोर जाओगे, 4-5 दिन में क्या हालत होगी उस गोभी की? इनसे पूछे, या तो ये मोदी बेवकूफ है या ये किसान को बेवकूफ समझता, निर्णय आपको करना। बहुत बुरी स्थिति में हमको पहुंचा दिया इन लोगों ने, बहुत ही हालत हमारी किसान की खराब कर रही, हमको बेवकूफ बना रहे। ये कह रहे हैं कि आप स्टोर करें अपने घर में, ये हरियाणा पंजाब ये तो बहादुरों का एरिया है, ये खेती के अलावा फौज में और फौज के अलावा काम धाम में कहीं करके और गुजारा चलाते हैं। देश का 80% किसान ऐसा है, अगर उसके घर में मेहमान आ जाए तो उसकी चारपाई दूसरे की बैठक में डालने की तजवीज लड़ाता, एक मेहमान की चारपाई डालने की जगह नहीं है, वो स्टोर कहाँ करेगा अपने अनाज को, किस जगह स्टोर करेगा, मजाक करता। अभी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो एक एक्ट में संशोधन किया, 1955 में बना था वो, देश में एक बड़े आंदोलन के बाद उस एक्ट को बनाया गया था। उस एक्ट में था कि कोई भी व्यापारी एक मात्रा से ज्यादा सामान का अपने गोदाम में रख नहीं सकेगा, इसने खत्म किया उसे। इसने क्यों खत्म किया? अडानी से समझौता कर लिया भारत सरकार ने, तू जितने गोदाम बनाएगा तेरे गोदामों का किराया, तेरा भाड़ा उनको भरने की गारंटी हमारी है, ये समझौता अडानी से हो गया। अडानी के पास आज 8.5 लाख मैट्रिक टन
अनाज के भंडारण की क्षमता आज की तारीख में है। हरियाणा का कुल उत्पादन इतना नहीं है जितने अनाज को अडानी अपने गोदाम में भर सकता। वो करेगा क्या? जब गेहूं की फसल आएगी तो 2,00,000 टन गेहूं वो बाजार में अपने गोदाम से उतारेगा, 500 रुपए क्विंटल का भाव गेहूं का गिर जाएगा, वो खरीद लेगा आपसे, खरीद के अपने गोदाम में भरेगा, उसके ताले लगा देगा, फिर वो जो उपभोक्ता है देश का उसकी गर्दन पे उसका हाथ जाएगा। आपसे सस्ता खरीदेगा, उपभोक्ता को ज्यादा कीमत में देगा। भारत सरकार ने ऐसा समझौता उसके साथ कर लिया और उसी के लिए ये दूसरा जो मंडी संशोधन कानून है ये उसके लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए कानून नहीं बना। तीसरा कानून मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तीनों कानूनों की, क्योंकि इस बॉर्डर पे ये पत्रकार घूमते हैं और ये हमारे बुजुर्गों के सामने माइक लगा के उपहास उड़ाते हैं। ये कहते हैं देखो ये किसान है, इनको तो पता ही नहीं है क्या हुआ, इनको तो बैक आके लाया हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जवाब दे सको। तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दो चीजें इन्होंने डाली है, क्वालिटी और साइज। गेहूं का साइज आपके हाथ में है क्या? अगर एक दिन तगड़ी हवा चल जाए पके हुए गेहूं में तो हवा निकल जाती है, उसकी क्वालिटी गिर जाती है। एक दिन ओलावृष्टि हो जाए, कुछ और हो जाए, आपके हाथ में नहीं होता। बच्चे एक से नहीं होते पैदा, गेहूं में खेत में गेहूं कहां से एक जैसा पैदा कर देगी? वो क्वालिटी की, वो क्वांटिटी की बात करता, वो साइज की बात करता। मजाक करते हैं ये पंजाब के लोग बैठे हैं, आलू का कॉन्टेक्ट किया, टमाटर का कॉन्टेक्ट किया, झरना लगा दिया। बोला जो ऊपर रह जाएगा वो हमारा है, जो नीचे जाएगा वो हमारे काम का नहीं। 30% आलू और टमाटर को पेप्सी ने खरीदा, 70% टमाटर और आलू को पंजाब का किसान रोड़ता रहा, कोई खरीदार नहीं था। ये मॉडल वहां फेल हुआ। इस मॉडल में है कि वो फैक्ट्री जो वो जो लेगा कॉन्ट्रैक्ट पे वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में वो जमीन पे ऋण नहीं ले सकता। सरकार बहुत प्रचार कर रही है लेकिन वो फसल पे ऋण ले सकता है। वो फसल पे ऋण लेगा, वो आपकी खतौनी में चढ़ेगा, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भाग जाएगा तो पटवारी काट देगा कि आपके ऋण को कर्जे को। पटवारी ने सीधा कहना है कि तेरे खाते में चढ़ा, तेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तेने कटवाया नहीं, हम नहीं जानते, उसको ढूंढ के ले आ, इस कर्जे को उतरवा जब फर्ज मिलेगी। ये उसमें है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर उस पर बिल्डिंग बना सकता है। एक कॉन्ट्रैक्टर उस पर बिल्डिंग बनाएगा, 10 साल के बाद जिस पे बिल्डिंग बना दी उसको अगर वो तोड़ के चला भी गया तो क्या वो खेत खेती के काबिल रहेगा? वो खत्म करके चला जाएगा, ये तीनों कानून। और मैं आपको याद दिला दूं, 2011 में प्रधानमंत्री फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे वो नरेंद्र मोदी, ने रिकमेंड किया था कि देश के किसान को MSP पे खरीद की गारंटी मिलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन है। आज प्रधानमंत्री को क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलता। प्रधानमंत्री कहता है MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, ये तो हमारी मांग ही नहीं। हमको भी पता है MSP थी है रहेगी, MSP पे एक एक दाना खरीदा जाए, MSP के बिना कोई भी अगर किसान के उत्पादन को खरीदे उस पे कानूनी केस मुकदमे दर्ज हो, सजा हो उसकी, मुकदमा चले, ये सुनिश्चित करे सरकार, ये मांग हमारी है। इस प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं। अरुण जेटली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हिंदुस्तान में लाई गई तो इस देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। रिकॉर्डेड बयान है, वो इनके बीजेपी के नेता थे कांग्रेस के टाइम में और कांग्रेस इसको ला रही थी, तब उन्होंने बयान दिया था राज्यसभा में। सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में थी उसने बयान दिया था, आड़ती किसान का क्रेडिट कार्ड है, चाहे किसान आड़ती से पैसे ले सकता है, क्रेडिट कार्ड की तरह से आड़ती काम करता है। अगर ये मंडी सिस्टम खत्म किया तो देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको याद दिला रहा हूँ MSP की गारंटी प्रधानमंत्री की रिपोर्ट में,
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध इन्होंने राज्यसभा में इनके नेता प्रतिपक्ष ने किया था और मंडी कानून का विरोध इनकी नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में किया था और 2014 के चुनाव में भादरगढ़ में मीटिंग हुई थी, आप बहुत लोग गवाह हैं, भादरगढ़ में मीटिंग हुई थी और ये बीजेपी के नेता उछल उछल के कह रहे थे कि हमको सत्ता मिली तो C2+50 से रेट तय किया जाएगा। किसी का इन्होंने रेट C2+50 से तय नहीं किया, झूठ बोलते हैं। कृषि मंत्री का हमने अभी एक इंटरव्यू कराया और उसने स्वीकार किया कि कृषि की जो कीमतें तय करी जाती हैं वो फार्मूला A2FL है, C2+50 नहीं है। अगर C2+50 से गेहूं का रेट तय किया जाए तो आज के हिसाब से 2950 रुपये उसका रेट बनता। अब इनके वायदे के अनुसार हमको 2950 रुपये गेहूं के मिलने चाहिए तो ये झूठे और ढोंगियों की सरकार, इनके कोई मुद्दे नहीं है। जितनी झूठ इन्होंने बोली मेरे से बरसों से आप सुनते रहते हैं, मैं सारे इतिहास में नहीं जाऊंगा लेकिन जो मुद्दा आज का चल रहा है मैंने आपको बुलेट पॉइंट बता दिए, इनका सोचना पड़ेगा। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहते थे व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता, ये व्यापारियों का दलाल है, ये खुद भिखमंगा है, ये RSS के प्रचारक था, ये सिंदूर टुकड़ी उठा के दुनिया की रोटी तोड़ता था, तुमने प्रधानमंत्री बना दिया। मैं चौधरी चरण सिंह के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, मैंने उनसे सीखा, वो ये कहते थे जो घर का नहीं वो बाहर का नहीं, जो घर में ठीक नहीं है वो बाहर किसी को निहाल नहीं कर सकता। आपने पता नहीं क्या देखा, आपने पता नहीं क्या सोचा। स्पीकर स्पीकर वो ये कर रहा है, आपके हो गया, आपके हिसाब से हो गया, हो गया, ये हो गया, हो गया, हो गया, ये रिकॉर्डेड है। ये अपनी माँ की टूम लेके भाग गया था, अपने बाबू के पैसे लेके भाग गया था, उसको हार्ट अटैक हुआ था और अपनी पत्नी को इसने छोड़ दिया, सारी उम्र उसको दुहाग दे के रखा। जो अपने परिवार का नहीं है उससे देश क्या ढूंढ रहा, उसमें मेरी समझ से बाहर की बात। ये मैं नहीं कह रहा, ये चौधरी चरण सिंह ने कहते थे, अपने भाषणों में कहते थे। आप सोचो आपको क्या देखना है, किस तरह का देखना आपको देखना, ये हमको बताते हैं, हमको राम की परिभाषा बताते हैं और उसी परिभाषा में आप फंस गए। आपने मैंने राम देखे हैं, आपने राम देखे हैं लेकिन भूल गए। मैंने अपना कोई बुजुर्ग अपने गांव में मंदिर में जाता नहीं देखा लेकिन वो सुबह उठता था राम राम भाई, राम राम भाई, वो बैल खोलता था खूटे से बोला ले राम का नाम, वो गाड़ी जोड़ता हल जोड़ता था और सांटा उठाता था ले राम का नाम, वो फावड़ा उठा के काम पानी लगाता था ले राम का नाम। दिन में 500 दफे हम राम का नाम अपने खेत में लेते थे, इन ढूंढों में इनमें ये जो आज के ये राम जा राम नहीं है इनके पास, इनका है श्री राम। हम गफलत में, राम तो हमारा है, राम तो कण कण का है और हमारी कल्चर में जितना हम राम को सम्मान देते हैं शायद कोई राम को सम्मान नहीं देता, लेकिन राम को ढूंढने के लिए हम मंदिर नहीं जाते, उसको अपने खेत में बैल में गाड़ी में किसी भी शुभ कार्य में उसका इस्तेमाल करते रहे। इन्होंने हमको दिशा भ्रमित किया और खास तौर पे मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान भाइयों को एक अफीम चटाई के कावड़ लाओ, घर में खेत में काम नहीं करते, बुजुर्ग दुखी हुआ रहता, 200 किलोमीटर हरिद्वार दिल्ली के बीच में धक्के खाते हैं और ये इनकी सोची समझी षड्यंत्र थी जो 200 की मील धक्के खा लेगा और एक में नहीं दो में, बोला जोड़े में लानी है, जो दो में धक्के खा लेगा वो इनका पक्का वोटर होगा। इन्होंने हमको ठगा, ये चौधरी छोटू राम की कर्म भूमि है, ये चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों की कर्म भूमि है, ये महेंद्र सिंह टिकैत के अनुयायियों की कर्म भूमि है, तीनों आर्य समाजी थे, तीनों पदों पर पाखंड का विरोध करते थे। मैं आपसे भाषण खाली देने नहीं आया, मैंने जानकारी के लिए बता, लड़ाई मुकी नहीं है, लड़ाई की शुरुआत हुई है, लड़ाई चलेगी, आपसे निवेदन करने आया हूं, दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ेगा, दिल्ली के चारों तरफ से ये 400 किलोमीटर का क्षेत्र पैदल दिल्ली की तरफ मार्च करेगा, वो तारीख हम तय करके आपको बता देंगे। ये दलाल खाप अपनी 84 के लाखों लोगों को लेके यहाँ से झंडा लेके दिल्ली चलेगी, पीछे से इधर से राठी चलेंगे, दहिया चलेंगे, ये लाहौर चलेंगे, जितनी खापे हैं
हमको पैदल मार्च करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा, दिल्ली से भगाना पड़ेगा इन लुटेरों को, ना तो वजूद बचने वाला नहीं है। मैं आपसे यही कहने के लिए, निवेदन करने के लिए आया हूँ, ये सभा यहाँ खत्म होने की नहीं है, आपसे निवेदन करने आया हूँ। उस लड़ाई के लिए मैं पहली दफे देख रहा हूँ, कुछ महिलाएं आई हैं, हमारी पंचायतों में महिलाओं की गिनती नगण रहती थी, शुरुआत हुई है। मैंने इतिहास में जो पंचायती इतिहास मेरा ज्ञान है अध्यक्ष जी, तैमूर लंग से जब हम लड़ रहे थे 80,000 पुरुष और 45,000 महिलाएं पंचायत की तैमूर लंग के खिलाफ लड़ी थी, उस लड़ाई के 700 साल के बाद पहली दफे मैंने देखा कि नारी शक्ति उठ के खड़ी हुई है। ये दूसरी लड़ाई है उस तैमूर लंग के बाद जिसमें महिला निकल के सामने आई है। निश्चित तौर पे फतेह होगी, अपनी संख्या बढ़ाएं, मजबूती से बढ़ाएं। और ये 40 सदस्यीय कमेटी के ये डॉक्टर दर्शन पाल बैठे, ये हमारे तमाम नेता यहाँ आए हैं, बैठे हैं, ये निवेदन करने आए कि आप तैयार रहें, इस धरने से काम नहीं चलेगा, इस दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे आप, एक जन सैलाब इस दिल्ली में जाएगा, दिल्ली वाले अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। धन्यवाद, जय किसान। हमारे बीच में चौधरी उमेश सिंह।